गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो जो अभी आपके एग्ज़ाम के लिए 18 डेज हैं आप ऑलमोस्ट, इन कमिंग डेज के अंदर हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? अगर आप इन कमिंग डेज में लगभग 16-17 दिन का जो समय आपके पास बचा हुआ है, उन दिनों में किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जो कि आपको हेल्प करेगा कि आपको जो स्कोर है वो अच्छा रहे, एटलीस्ट जो कट ऑफ है कट ऑफ हम क्लियर कर सकें। इसको बहुत ध्यान से समझना है। देखो, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप सभी लोग इस बात से अवेयर भी होंगे, पहली चीज़ तो क्या है कि अभी जो समय है 16-17 दिन का जो आपके पास समय है, इस समय में बहुत सारी नई चीज़ तो हम नहीं कर सकते। तो नई चीज़ जो है हम अवॉइड हमें करना चाहिए। नई चीज़ का मतलब क्या है कि आपने कोई नई पॉलिटिक किताब पढ़ना शुरू कर दो, कोई बोले हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दो, कोई बोले कि किसी और किताब को पढ़ना शुरू कर दो, तो ये सब चीज़ें अभी ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ध्यान में रखना है क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप अब नई कोई किताब उठाओ और उसको पढ़ना शुरू कर दो, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या हमें करना चाहिए? तो पहली चीज़ आपको जो अपने इस कमिंग डेज के अंदर ध्यान में रखनी है कि डेली बेसिस में एक पीआई, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खास तौर से यूपीएससी के, सीडीएस के और सीएपीएफ के, लगभग 3 साल के सीडीएस के और 2 साल के सीएपीएफ के जीके वाले जो पेपर हैं वो आप जरूर से करो। क्यों इसमें करना जरूरी है? यहाँ पे जनरल साइंस के जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे मिलेंगे और इस बार आप देखना 6-7 प्रश्न आपके जनरल साइंस में जरूर से होंगे, क्योंकि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, जो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस है, वो साथ में एग्जाम कंडक्ट होगा। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि जो जनरल साइंस के प्रश्न हैं उनके नंबर आपको मिलेंगे। फिजिक्स जैसे एरिया से भी 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। ये सब ऐसे एरियाज हैं जिसमें अगर आप थोड़ा सा फोकस करो, तो आप अगर थोड़ा भी फोकस करोगे तो जो आउटकम है उस आउटकम को आप अचीव कर लोगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आउटकम को अचीव करने का मतलब ये है कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा मिनिमम इनपुट से। और सब्जेक्ट्स जो पढ़ना है वो तो आपने पढ़ा हुआ है, उनको आप रिवाइज करना ही है, तो ये तो करना ही है। दूसरी चीज़ आप क्या ध्यान में क्या रखना है कि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने एक वीडियो आप लोग के लिए बनाया है, इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, 21 रूल्स, 21 रूल्स जो एलिमिनेशन के हैं। अब ये जो 21 रूल्स है इनको प्रैक्टिस करने का समय आ चुका है। आप ये मत सोचना कि मैं 21 रूल्स जो है 21 रूल्स करके जाऊँ और देख के चला जाऊँ और वहाँ एग्जाम में अप्लाई होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप इनको यूपीएससी के पेपर में प्रैक्टिस करके सीख कर नहीं जाओगे, अप्लाई करके नहीं जाओगे, तो फिर ये रूल्स आप लागू ही नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2018 और 17 का पेपर देखना, आपको अभी एक रूल बताऊंगा, 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आप जाके चाहे इसको अप्लाई करके अभी देख लेना। अगर देखोगे तो कई जगहों पर वहाँ पर उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया स्टीडली, ड्रास्टिकली, ऐसे उन्होंने 3 से 3 प्रश्न इकोनॉमी में दिए हुए हैं, ऐसे स्टेटमेंट जहां भी ये शब्द मेंशन होते हैं गलत होते हैं। अब ये रूल है, इस रूल को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा यूपीएससी के लिए, है ना? जैसे ये चीज ध्यान में रखना है। तो इन रूल्स को आपको अब जो समय है डेली बेसिस में आपका 1 घंटा समय यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने, पढ़ने, समझने में लगाना है। अगर इवन अगर आप स्टैटिक सब्जेक्ट के नॉलेज को भी बढ़ाना चाहते हो तो उस स्टैटिक सब्जेक्ट को नॉलेज को भी आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से ही बढ़ाना है। जैसे आप स्पेक्ट्रम पढ़ी, स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो तो आपको लगे यार ये तो मुझे किसी ने पढ़ाया ही नहीं है, तो अब क्या करूं मैं? तो आप सोचोगे कि मैं जो है जाके नई किताब पढ़ लेता हूँ। नहीं, क्या करना है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको सोल्यूशन दिया हुआ है, आप बस उस क्वेश्चन को फॉलो करो, सोल्यूशन को फॉलो करो, बस हो गया। आप अपने नॉलेज को इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो। आपको पता है कि ये क्वेश्चन नया है, इसका सोल्यूशन ये है, वो टॉपिक कवर हो गया। तो अपने नॉलेज का जो एक्सपेंशन है पॉलिटी में, हिस्ट्री में, या इवन साइंस की बात की जाए या आप इकोनॉमी की बात करें, ये बेसिकली आपको फोकस करना है थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। खास तौर से पॉलिटी आपको ध्यान रखना है, एनवायरमेंट ध्यान में रखना है, और एक आपका जो हिस्ट्री का पार्ट है इसमें आपको अपने नॉलेज का एक्सपेंशन इन सब्जेक्ट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से करना है। जितना अधिक आप कर लो उतना अच्छा। तो 1 घंटा, 1.25 घंटा डेली बेसिस में
ये जरूर से करना, आपका स्कोर बहुत बढ़िया इम्प्रूव होगा। ये आपको मैं आपको ये चीज़ लिख कर दे रहा हूँ कि आप इस चीज़ पर जरूर से फोकस अगर करोगे तो आपका स्कोर इंक्रीज हो सकता 25 से 30 नंबर। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके नहीं जाओगे तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो इसको रेगुलर पढ़ो, और देखो घबराओ मत। आप में से कई लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चंस करेंगे फिर वो अपना स्कोर कैलकुलेट करेंगे, मतलब आप अपने नॉलेज को टेस्ट मत करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। आप ये मानो कि अगर मान लो आपका, मैं एग्जांपल 2013 का प्रश्न है, 2013 का पेपर है, अब आपने 2013 का पेपर लगाया, दोबारा लगाओ जितनी बार हो सके। पहले तो आप कोशिश करो 2013 से लेके 2022 तक के जितने भी पेपर्स हैं उसको तीन तीन चार चार बार लगाओ। लगाने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको ऑप्शनल का एनालाइज करना है। जैसे सपोज करो एक एक 18-17 में देखो, उसमें उन्होंने लिखा 4 हजार करोड़ को 4 लाख करोड़ लिख दिया, एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा दिए तो वो कट गया। अब ये सब चीजें आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में तभी जाएंगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हो। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको अपने आज ये जो कमिंग 18 डेज है, 16-17 डेज है, इनमें ये बात आपको बिठा के रखनी है। अब दूसरी चीज क्या हमें ध्यान में रखनी है, दूसरी चीज देखो 40 मिनट 45 मिनट सी सेट में देना है, ठीक है। 40 मिनट 45 मिनट आपको देना है, आपको 40 मिनट 45 मिनट आपको देना है सी सेट पे। पहला मैंने आपको क्या बताया, पी आई क्यूज पे। फिर मैंने आपको बताया कि 21 रूल्स हैं जो मैंने इसका वीडियो बना रखा है, उस रूल्स को अप्लाई करो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। फिर आपको सी सेट पे 40-45 मिनट देना। अब इसमें भी आप कोशिश करो, देखो रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस हैं, ठीक है, रीजनिंग है ना, और इनके भी क्वेश्चन के सेट कहाँ से पिक करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी के, यहाँ से ही आपको पिक करना है, इधर उधर ज़्यादा आपको नहीं जाना। तीसरा एरिया जो आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, एक तो साइंस टेक, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, इन इन सब्जेक्ट्स का एक स्पेशल सेशन अपने लिए बना के रखो दिन में। जैसे आपने कहा कि मैं 3 घंटे पढ़ूंगा तो वो इन्हीं सब्जेक्ट पे फोकस होना चाहिए डेली बेसिस पे। बहुत प्रश्न आते हैं 15, 18, 8, और फिर आप इसको और जोड़ लो तो ये बहुत प्रश्न हो जाते हैं। आप कैलकुलेट कर लो 35-40 प्रश्न हो जाते हैं। आप लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे होंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं या इस टाइप से स्थिति बनी होगी, तो ये थोड़ा सा देखना है कि इन चीज़ों को आपको मिस नहीं करना। मैंने क्या किया आप लोगों के लिए, सौरभ पांड्यान अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे हैंडमेड नोट्स जो मेरे हिंदू सेशन से हैं, जो 8:30 से 9 बजे के बीच में सेशन होता है, तो उसके हैंडमेड नोट्स जो हैं वो शेयर ग्रुप में डालते हैं। अगर आप और सोर्स कहीं से नहीं कर रहे हो तो उनको फॉलो करो। अभी मैं एक स्पेशल क्लास भी लूंगा फ्री में, तो वो भी आप लोग फॉलो कर लेना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरा उसमें रहेगा, एनवायरनमेंट के टॉपिक्स रहेंगे तो वो रहेंगे। तो या अगर आप और अलग से पढ़ना चाह रहे हो तो उसमें जो पेपर के नोट्स हैं वो मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर का कंटेंट बहुत मैटर करता है। कोई मैगजीन, कोई कंपाइलेशन उसको उस तरीके से कवर ही नहीं करते। पिछली बार मैंने 15 में से 14 के स्क्रीनशॉट आपको शो किए थे साइंस टेक के, जो हमारे सेशन से थे, बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, विद स्क्रीनशॉट विद सोर्स सारा आपको शो किया था कि देखो यहाँ से प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न है। तो ये चीज़ याद रखना कि अभी कमिंग डेज में एक भी दिन आपका ऐसा ना जाए कि आप इन चीज़ों को पढ़े ना, इसमें जनरल साइंस भी इंक्लूड कर लो, एक भी दिन ना हो। ऐसा नहीं कि दिन भर हिस्ट्री पढ़ रहे हो, वो भी पढ़ो, बाकी जो एक और चीज़ें हैं जैसे आप अपनी पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, पॉलिटी और इकोनॉमी एरियाज पे फोकस अपना करते रहो। हिस्ट्री में जैसे मॉडर्न इंडिया है इसको समय देते रहो। और एक चीज़ और याद रखो कि एक चीज़ ये याद रखना है कि जब भी कोई चीज़ पढ़ते हो, जैसे मतलब पॉलिटी पढ़ते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, पॉलिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब अपनी नॉलेज मत चेक करो, बस रीड करो उनको, रीड करो, ऑप्शंस को एनालाइज करो, ये चीज़ देखो, ठीक है। मॉडर्न इंडिया मतलब स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो तो बस गो थ्रू हो और देखो कि अच्छा ये यहाँ से पूछा गया है, इस टाइप के प्रश्न है, तो इस प्रकार से आपको प्रोसीड करना है। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोग के लिए कि आप इन बातों को ध्यान में रखें। और ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका जो स्कोर है वो अपने आप इम्प्रूव होता चला जाएगा। और अभी ये समय नहीं है कि हम बहुत सारी नई चीज़ों को करें, आपको अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को भी सही रखना है। आप ये गलती नहीं करना कि रात भर पढ़ें, वो बिल्कुल गलती नहीं करना है, रात भर पढ़ने का अब समय नहीं है। अब आपको अपना बायोलॉजिकल क्लॉक सही करना है, 11 बजे 11:30 बजे सो गए, जल्दी उठ के फिर पढ़ लिया, ऐसा कुछ आप करो। क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले ऐसा सोचोगे कि मैं सुबह जल्दी जग जाऊंगा, नहीं होगा। और अगर आप सही से सो के नहीं जाओगे तो कितना भी पढ़ लो आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, ये ध्यान में रखना है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको जरूर से जरूर फॉलो करना है।
ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो मैंने आपको बातें बताई हैं, इनको आप अपने अभी कमिंग डेज में अप्लाई करो। अभी मैं आपको ये नहीं कहने जा रहा हूँ कि आप ये करो वो करो, अभी कुछ नई बात आएगी तो मैं जरूर से आपसे डिस्कस करूंगा, बट इन बातों को अभी अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करना ही करना है। जिन्होंने बढ़िया तरीके से पढ़ाई की है तो वो इन बातों को समझ सकते हैं कि क्या कितना मुझे समय देना है, 1 घंटा 40 मिनट, 3 घंटा, और बाकी चीज़ें फिर पढ़ना है। इस तरीके से आप पढ़ना, एक भी दिन ऐसा ना जाए कि आप इन सब्जेक्ट्स को ना पढ़ो। ये बिल्कुल मन में बना लेना है कि भागना नहीं है इनसे। इनका सोर्स मैंने बता दिया कि हैंड रिटन नोट्स मेरे ही हैं, सौरभ पांड्यान अकेडमी टेलीग्राम चैनल में पड़े हुए हैं, मैंने शेयर कर दिया है, तो उसको ही चाहे पढ़ लो अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है, ठीक है। वो अल्टीमेट नोट्स हैं, हैंडमेड नोट्स हैं, हिंदू से रिलेटेड है, सब्जेक्ट के नोट्स हैं, जरूर से गो थ्रू, ठीक है। IAS एग्जाम की तैयारी करो, अनअकैडमी से जरूर से जुड़ो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो। क्लिक करके SPLIVE ये कोड डालो और आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि जो लाइव क्लासेस हैं वो लाइव क्लासेस आप कर सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर से। और यह भी ध्यान रखना कि जैसे GS, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक टीचर से जुड़ रहे हैं, आप अगर जुड़ते हैं अनअकैडमी से आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं, तो जरूर से जुड़ें। आज के लिए इतना ही, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। UIS चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।